चूरू जिले में इस समय पंचायती राज चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है, जहां जिले की तारानगर तहसील की 32 ग्राम पंचायतों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं इस समय सादुलपुर में चुनाव चल रहे हैं। वहीं कुछ दिनों बाद चूरू में भी पंचायती राज चुनाव होने हैं। ऐसे में चूरू जिले की ग्राम पंचायत पितिसर भी एक प्रमुख पंचायतों में से एक है। इस गाँव के अंदर युवा जंगसर खान ने सेना के पूर्व जनरल वीके सिंह व तत्कालीन विदेश मंत्री को गांव में बुलाया था। उस समय जंगसर खान चर्चाओं में आए थे। जंगसर खान अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस समय जंगसर खान के बेटे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव काफी रोचक है। इस दौरान जंगसर खान से बात की हमारे सहयोगी ने। आइए देखते हैं क्या कहा जंगसर खान ने चुनाव को लेकर और गाँव के विकास को लेकर। सर के इन 40 वर्ष के इतिहास में और यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे लोग आज भी जूझ रहे हैं। यहाँ की नालियाँ मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। ग्राम पंचायत पितिसर को और सबसे स्वच्छ पंचायत बनाने के लिए मेरा आगे का फ्यूचर प्लान है। 5 वर्ष में मैं देश की और सबसे टॉप 20 जो पंचायतें होंगी जो स्वच्छ भारत के तहत, उस सूची में पितिसर ग्राम पंचायत को मैं लाने का और प्रयत्न करूँगा। शायद आप भली भांति जानते हैं कि इस गांव के अंदर मैंने अब से पूर्व है 5 वर्ष पहले हमारे सेना के अध्यक्ष थे जनरल वीके सिंह जी, मौजूदा भारत सरकार में मिनिस्टर हैं, उनको लेके आया था। तब तुरंत हमने 22 घंटे में इस गांव को 9 किलोमीटर की रोड दी थी, उन्होंने ये सौगात दी थी। उसके बाद यहाँ पे पानी की काफ़ी समस्या थी, वो मैंने तत्कालीन मिनिस्टर माननीय राठौड़ साहब से बोल के और ग्राम पंचायत में 4,41,00,000 का एक बजट लेके हमने यहाँ पे एक बड़ी टंकी बनाई थी घर घर नल वाली। तो अभी पूरे गांव में ये पानी की समस्या, अभी ऐसा है कि नल तो लग गए पर फिर मौजूदा स्थिति ये है कि गाँव के अंदर पानी कम आता है, लोगों के घरों में पूर्ति नहीं हो रही है। तो जैसे ही हमारी पंचायत आ गई हम इस पे भरपूर काम करेंगे और ग्राम पंचायत पितिसर को बहुत आगे लेके जाएंगे, घर घर में पानी की कमी नहीं रहेगी, ये मेरा वादा है ग्रामवासियों से। मेरा इस गांव का सबसे पहला काम ये होगा कि मेरे गांव में पशुओं की जो समस्याएं हैं, किसान जितने परेशान पशुओं से हैं उतने हम लोग भी परेशान हैं, क्योंकि पशुओं को देख के उनके हालात को देख के हमें भी डूब मरने वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। मेरी पंचायत अगर आ गई तो सबसे पहले मेरा पहला बजट लगेगा तो गांव की गौशाला में लगेगा। मैं एक नई गौशाला बनाऊंगा, उस गौशाला के लिए ज़मीन की मैं भामाशाहों से अपील करूंगा, कोई देगा तो ठीक है, नहीं अपने बलबूते पे मैं वो इस गांव के अंदर एक गौशाला बना के हर पशु को हम चारा देंगे और हमारी एक समिति बनाएंगे, उस समिति के तहत उस गौशाला को चलाएंगे। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये होगी कि युवाओं की एक स्पेशल डिमांड है, युवाओं का कहना है कि ग्राम पंचायत के अंदर ऑलरेडी हमारे यहाँ स्टेडियम की दीवार बन चुकी है लेकिन स्टेडियम का बजट अभी तक आया नहीं है, हमने स्वीकृति ले ली है, अब पंचायत आने से पहले ही हमने स्वीकृति ले ली है, 22,50,000 का बजट भी उसका अप्रूवल हो गया है। तो हम चाहेंगे कि एक शानदार स्टेडियम भी इस गांव में बने ताकि इसी स्वच्छ भारत निर्माण के तहत ग्राम पंचायत को हम सबसे अग्रिम पंचायत बना के टॉप 20 में हम इस पंचायत को लेके आए। मेरे गांव में पूर्व सैनिक काफ़ी हैं। इस गांव का सौभाग्य ये रहा है कि इस गांव के अंदर एक पूर्व में सबसे पहला ज़िले का शहीद है, वो भी मेरे गाँव का है, उसके बाद भी 2 शहीद हैं इस गाँव के। कायम खानियों की यहाँ पर काफ़ी फौज है, काफ़ी लोग आर्मी में जाते हैं, मेरा छोटा भाई भी आर्मी में है, मेरे चाचा जी भी आर्मी में थे, हमारे परिवार में हमेशा से एक बंदा आर्मी में रहता है। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे प्लानिंग करके हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनसे बातचीत करके हम सेना की तैयारी के लिए स्पेशली बच्चों को प्रोत्साहन देंगे और 5 वर्ष की मेरी पंचायत में अगर मेरा सौभाग्य रहा कि पंचायत मेरे पक्ष में आ गई तो 5 वर्ष के अंदर मेरा मिशन ये है कि 100 सैनिक मैं तैयार करूँगा हम के युवाओं के। आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि पंचायत तो लगभग हमारे पक्ष में है पर गांव के लोगों को भी इस बात की जागृति है कि हम विकसित पितिसर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस युवा को मौका दें ताकि हो सकता है कि हमारे गांव में बदलाव आए,
और इसी उम्मीद के सामने मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि आप अपने मत का प्रयोग लोगों के बहकावे में ना आके मेरे बच्चे वसीम के नाम पर जो मैंने पर्चा भरा है उसे अपना मत दे के आप उसे विजयी बनाएं।